भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने लगातार अपने दौरे और यात्राओं को जनता तक पहुंचाया और अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत निकल पड़े हैं राजस्थान जोड़ो यात्रा पर और मंदिरों के दर्शनों पर। लेकिन बीजेपी के आला नेताओं के दौरे और यात्राएं तो लगातार जारी है, पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की ओर से किसी भी तरह की कोई भी चुनावी सभा या रैली की जानकारी साझा नहीं की गई है। यहां तक कि चुनाव में सीएम फेस को लेकर गहमागहमी अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। बीजेपी उन्हें किसी भी तरह की कोई खास भूमिका देने के मूड में नहीं है। दोनों चुनाव समितियों में उनका और उनके समर्थकों का ना होना और पीएम मोदी के स्टेज से बार बार भाव ना मिलना आदि तो यही इशारा करता है कि विधानसभा चुनावों में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे किनारे आ चुकी है। दूसरी ओर वसुंधरा को जो लोग नजदीकी से जानते हैं उनका कहना है कि समर्थकों के दबाव के चलते बीजेपी आलाकमान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो नया दल बना सकती है और पार्टी में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकती है। कुछ ऐसी बातें भी यही इशारा कर रही है कि वसुंधरा बीजेपी का चुनावी समीकरण और जीत का गणित बिगाड़ सकती है। जब वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री थी तब महिलाओं में पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में उन्हें देखा जाता था। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का नमूना रक्षा सूत्र वाले कार्यक्रम में देखने को मिला था। जब पार्टी साथ नहीं है फिर भी भारी पैमाने पर महिला उन्हें रक्षा सूत्र बांधने आई। पार्टी को हिमाचल और कर्नाटक में मिली हार का प्रमुख कारण महिलाओं का वोट नहीं मिलना बताया जा रहा है। बात करें 2013 और 2018 की तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की हार का अंतर कांग्रेस की तुलना में महज 0.5% था। महिलाओं के बीच वसुंधरा हमेशा से बहुत लोकप्रिय रही है, लेकिन इस बार बीजेपी महिला प्रवासी अभियान के माध्यम से महिला मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका मकसद 5% वोटों के मामूली अंतर से हारी हुई सीटों को फिर से हासिल करना है। आंतरिक कलह से जूझती कांग्रेस ने अपने मसले सुलझा लिए हैं। अशोक गहलोत के कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जाया जा रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2018 के चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि 5% से कम अंतर से करीब 30% सीटें जीती गई है और वही 2003 और 2008 की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी ने 41.5% से ज्यादा सीटें मामूली अंतर से जीती थी। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर वसुंधरा ने 5% वोट भी इधर उधर किए तो बीजेपी के साथ एक बड़ा खेल हो जाएगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे की पार्टी का असर हर कोने में देखने को मिलता है। हर विधानसभा सीट पर उनके कुछ ना कुछ लोग मौजूद है। कई तरह की रैलियां और यात्राएं कर उन्होंने इस बात का सबूत पेश किया है। ये तो हम जानते ही हैं कि वसुंधरा राजस्थान में 20 से 25 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत रखती है और इसमें उनका इशारा भर ही काफी है। अगर उन्हें पार्टी टिकट नहीं भी देगी तो भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आजाद है और यही सबसे बड़ा कारण है कि वसुंधरा को पार्टी पूरी तरह से अलग थलग नहीं कर रही है। वसुंधरा के बेटे की शादी गुर्जर समुदाय में हुई है। इसके साथ ही राजस्थान के गुर्जरों के वोट बीजेपी को परंपरागत रूप से मिलते रहे हैं। चूंकि गुर्जरों के कट्टर प्रतिस्पर्धी मीणाओं के वोट कांग्रेस को जाते रहे हैं इसीलिए गुर्जर बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। वसुंधरा ने गुर्जरों से रोटी बेटी का रिश्ता बनाकर इसे और मजबूत बना लिया है। अगर वसुंधरा बीजेपी से नाराज होती है तो गुर्जरों का वोट कांग्रेस की ओर जा सकता है। इसका एक बड़ा कारण है सचिन पायलट। सचिन एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी के लिए एडी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वसुंधरा खुद को क्षेत्राणी की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन कहकर राज्य में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तीनों जातियों को साधती रही है। बीजेपी खुद कयास नहीं लगा पा रही है कि वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होगा, वो किस ओर जाएगी। यही सबसे बड़ा सवाल आगामी विधानसभा चुनाव में बना रहेगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।